नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, ऑप्टिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल फॉर्म ऑफ लेंस। आपके पास जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड आएंगे तो आपको लेंसेस के बारे में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, CR, HC, HMC, ARC, KT, PROC, इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम क्या होता है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपको समझने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसके पूरा फुल फॉर्म आपको पता नहीं होता है कि कौन सा लेंस हमें यूज करना है। तो इन शॉर्ट फॉर्म की मदद से ही आप पूरा लेंस के पावर के डिटेल को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं CR से। CR एक फाइबर लेंस होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एक प्लास्टिक लेंस होता है। हम यहाँ पे दो टाइप के लेंस की बात करने वाले हैं, प्लास्टिक और ग्लासेस, ठीक है, कांच का और फाइबर का। इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। CR हमेशा फाइबर के लेंसों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक के जितने भी लेंस आते हैं उनके लिए CR यूज किया जाता है। और वहीं पे अगर कांच हो यानी कि ग्लास हो तो उसके लिए WT, वाइट, ऐसा यूज किया जाता है। तो CR का फुल फॉर्म हो गया कोलंबिया रेजिन लेंस, ठीक है, कोलंबिया रेजिन लेंस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CR लेंस कहते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये एक हार्ड कोट लेंस है और फाइबर का लेंस लगाना है। उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे HC लिखा हुआ है। HC के नाम से ही पता चलता है हार्ड कोट लेंस, ठीक है, हार्ड कोट लेंस इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे HMC लेंस। HMC लेंस का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा हार्ट मल्टी कोट। अब ये क्या चीज है, हार्ट मल्टी कोट का मतलब ये हो गया कि इसमें रिफ्लेक्टर कोटिंग होता है। एक कोटिंग आपको मिलेगी जिसमें ग्रीन टाइप की शेड आपको देखने को मिलती है, उसे ही कोटिंग कहा जाता है। तो इसमें जो है हार्ट मल्टी कोट में वैसा शेड आपको देखने को मिलेंगी। हार्ट कोट का मतलब ये होता है कि उसमें एक कोटिंग होती है व्हाइट कोटिंग, जिसमें किसी और दूसरे कलर की कोटिंग देखने को नहीं मिलेगी, व्हाइट कलर की कोटिंग रहेगी, उसको हार्ड कोट कहा जाता है। इससे पहले अनकोट भी आता था, लेकिन अनकोट अब बहुत ही कम जगह यूज होता है, क्योंकि उसमें स्क्रैच को बचाने के लिए किसी प्रकार की कोटिंग नहीं होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है अनकोट, बिना कोट वाली लेंस। तो हार्ड कोट जो है उसी का एडवांस रूप है। एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, हालांकि व्हाइट ही रहेगी, लेकिन एक कोटिंग ऐसी चढ़ाई जाती है जिसके मदद से उसमें स्क्रैच नहीं आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ARC लेंस के बारे में। ARC लेंस भी एक कोटिंग है, जिसमें भी आपको ग्रीन सेट, ब्लू सेट या और भी बहुत सारे नए नए कलर के सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। कई बार हार्ट मल्टी कोट और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में लोगों को डाउट होता है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसका फ़र्क ये है, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि एंटी रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन को एंटी रिफ्लेक्शन, जैसे कि नाम से पता चल जाए कि ये आपके आंखों में आने वाली रिफ्लेक्शन को रोक देती है, आंखों तक तो पहुंचने नहीं देती है। वहीं पे अगर हार्ट मल्टी कोट की बात करें तो दोनों का वर्क एक जैसा है, लेकिन थोड़ा एडवांस रूप में इसको हार्ट मल्टी कोट कहा जाता है, एक हार्ट मल्टी कोट लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम KT। KT भी, ये सभी जो है फाइबर के लेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सभी फाइबर के लेंस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल चलन में फाइबर के लेंस ही ज़्यादा आते हैं। तो KT जो है क्रिप्टॉक बाइफोकल हो गया, ये दूर और पास के लिए जो यूज होता है उसके लिए यूज करते हैं। यहीं पे PROG, प्रोग, आप देखेंगे ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये होता है इसका फुल फॉर्म प्रोग्रेसिव लेंस। अब यहाँ पे देखिए KT के साइड में RT भी लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा एडवांस रूप में RT लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है राउंड टॉप। आप देखेंगे बाइफोकल में राउंड बना होता है, राउंड चांद, उसे बोलते हैं राउंड टॉप। तो ये हो गया KT का ही मतलब RT होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे KB लिखा हुआ है। KT, KB, RT ये तीनों एक ही चीज है। ये दोनों फाइबर के लिए यूज होता है और ये होता है ग्लास के लिए यूज, क्रिप्टॉक बाइफोकल। तो ये है लेंसों के फुल फॉर्म, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा ये एपिसोड चल रहा है पूरा ऑप्टिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, जिसकी मदद से आप एक अच्छे ऑप्टिशियन बन सकते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम और भी जानेंगे कि कोटिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कलर के कोटिंग आते हैं और कोटिंग का यूज कैसे किया जाता है या कहाँ पर उसका यूज होता है। इन सभी चीज़ों के हम आगे हम वीडियो में जानेंगे।
तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, नई चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।